तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है अपने बाइक के चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए और एक न्यू ट्रिक लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी बजाज ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा की एक्सेलेटर रिमूव प्रॉब्लम है। तो इसको रिमूव करके क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक्सेलेटर भी प्रॉब्लम हो सकता है, केबल भी प्रॉब्लम हो सकता है और स्टीयरिंग मोटर की प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी देख रहा ही होगा, अभी चेक कर रहा हूँ। तो चेक करके मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। तो ठीक है, आप देखते रहिए, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये है गाड़ी का मालिक। तो इन्होंने ये प्रॉब्लम शिकायत किया। तो देखिए दोस्तों, ये स्क्रू खोलने के बाद तो मैंने ये केबल चेक कर लूँगा और स्टीयरिंग मोटर चेक कर लूँगा, तो स्टीयरिंग हैंडल भी चेक कर लूँगा। तो किस प्रॉब्लम से ये एक्सेलेटर तो रिमूव नहीं हुआ है, तो स्लोली रिमूव होता है। तो मालिक ने पहले ही बताया, तो एक्सेलेटर आउटर केबल तो इन्होंने चेंज किया, तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए दोस्तों, एक्सेलेटर रिमूव हैंडल खोल लिया है, इसमें मर्चा पड़ गया है। तो देखिए दोस्तों, इसको पूरा क्लीन करना होगा। तो क्लीन करने के बाद ज़रूर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, तो मैंने अच्छी तरीके से तो ये क्लीन कर लूँगा, इसके बाद लगा लूँगा। तो लगाने के बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कैसे सॉल्व करें, कैसे हो जाए। तो अपना ही गाड़ी को ऐसा प्रॉब्लम हो तो अपने खुद ही ऐसा काम कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो देखिए दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो। तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए प्लीज़ मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, काम कंप्लीट करके दिखा देते हैं। तो ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी ऑयल लगा रहा हो, थोड़ा सा ग्रीज दे दूंगा, तो अंदर साइड पे दे दूंगा। तो इसके बाद मैंने मोटा लगा रहा हो, तो ये देखिए ये रिमूव हो रहा है कि नहीं। तो पूरा रिमूव हो रहा है, हो गया है। तो अभी लगा के तो आप सबको दिखा दूंगा, तो ये सॉल्व कैसे करें। तो बहुत सारी जानकारी आप सबको मिल जाएगा तो सब्सक्राइब करने से। तो सब्सक्राइब करने से क्या क्या होगा सब्सक्राइब? जी हाँ, तो सब्सक्राइब करने से तो बहुत सारी न्यू जानकारी मिलेगा जो आपकी काम में आ जाए। तो ऐसा जानकारी मैं दे देते हैं। तो मेरे ख़्याल से बहुत सारी जानकारी दूंगा, तो जो आप सब आसानी से सीख पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप करके देखा मत करो, वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, तो भी जाके पता चलेगा तो किस काम कैसे करें, तो काम कैसे करते हैं, काम कैसा होना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए पूरा रिमूव हो रहा है, एक्सेलेटर हैंडल, एक्सेलेटर मोटा भी तो पूरा रिमूव हो रहा है। गाड़ी में मैं शायद
कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। तो गाड़ी को स्टार्ट करके रोड पर चला के आप सबको तो दिखा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और जी हाँ दोस्तों, अपना गाड़ी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जानकारी लेना चाहता है तो कमेंट पे बताइएगा, तो मैंने कोशिश कर लूँगा अपना गाड़ी की जैसा प्रॉब्लम हो तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करके वीडियो भेज दूँगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और हाँ न्यू वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।